आपका स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है नित्या फन वाई। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं कहानी लाई हूँ फ्रेंड्स, क्या आप इसको सुनना चाहेंगे मेरी कहानी? जरूर सुनाऊंगी मैं आपको। कहानी का नाम है फ्रेंड्स, कहानी का नाम है चिड़िया चिड़िया की महानता। चलिए फ्रेंड्स लेट्स गो। एक घना जंगल, उसमें चिड़िया रहते थे और एक कौवा, दोनों अपने अपने घरों में रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसा करते करते बारिश का मौसम आ गया। एक दिन तेज हवा और बारिश के कारण चिड़िया का घर टूट गया और कहीं दूर जाके गिर पड़ा। चिड़िया और उसके बच्चे पूरी तरह से भीग गए थे। पास ही के पेड़ पे एक कौवा रहता था, तो चिड़िया और उसके बच्चों ने सोचा चलो आज कौवे भाई के आज रात कौवे भाई के घर में बिता देते हैं। सीधा चिड़िया और उसके बच्चे सीधा उड़ गए कौवे के घर में और दरवाज़ा चिड़िया ने खटखटाया, बोले कौवे भाई कि आज रात आप हमें अपने घर में गुजारने दोगे? बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरा घर कहीं दूर जाके गिर पड़ा और टूट गया। कौवे ने बोला पर क्यों, तो बहुत तेज बारिश के कारण मेरे बच्चे कांप रहे हैं, हमारा घर टूट गया, उसकी वजह से हम कहीं नहीं सो पाएंगे। तो मैं क्या करूं, मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं, अगर मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो ठंडी हवा के कारण मेरे बच्चे नींद से जाग जाएंगे, मुझे माफ़ करो चिड़िया, मैं नहीं खोल सकता दरवाज़ा। जो होना था वही हुआ फ्रेंड्स, चिड़िया उदास होकर चली गई। अगले दिन चिड़िया ने एक मजबूत घर बना लिया। फिर एक दिन एक और तेज बारिश आई, धीरे धीरे कौवे के घर टूट गए, कौवा का घर टूट गया। तो उसने चिड़िया के मजबूत घर पर गया उड़ के, तो उसने दरवाजा खटखटाया, तो चिड़िया ने घबरा के बोला कौन है? तो वो बोला मैं कौवा हूँ चिड़िया, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा घर टूट गया है, क्या तुम मुझे अपने घर में आने दोगी? बस पूरी दयालुता से मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो। चिड़िया ने बोला क्यों नहीं कौवे भाई, मैं खोल सकती हूँ दरवाज़ा। तो धीरे धीरे चिड़िया गई और दरवाज़ा खोल दी। कौवा अपने बच्चों के साथ घर में आया और उसने अपने बच्चों को पंख में छुपा के सुला दिया था। तो फिर कौवे को पछतावा हुआ, फिर उसको याद आया कि पिछली बार किया दिया मैंने चिड़िया के साथ भी ऐसा किया था, पर उसने मैंने उसकी मदद नहीं की थी, पर उसने मुझे मेरी मदद करके खोल दिया दरवाज़ा। उसने चिड़िया से बोला मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर फिर भी गलती हो गई। तो चिड़िया बोली इसमें कोई बात नहीं होती कौवे भाई, मुझे पता है ऐसे संकट में सबकी जान खतरे में तो जा सकती है। तो कौवे ने बोला कि अब से मैं तुम्हारा पक्का दोस्त बन जाऊंगा, हर मुसीबत में हर संकट में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको कौवे जैसे सोच वाली लालच कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा संकट में आने वाले दूसरों की भी मदद
करनी चाहिए। अगर उसने किया हो या ना भी किया हो, हमको सबकी मदद करनी चाहिए, फिर कल चल के वो हमारी भी मदद करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो पता है लाइक तो ढेर सारे दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ढेर सारे दीजिएगा, और कमेंट में भी बताइएगा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं।